शेषावतारी लक्ष्मण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का काटना चाहते थे सिर, आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम फिर से उपस्थित हूं आज एक रामायण की रोचक रहस्यमयी कहानी के बारे में बात करने के लिए। आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। आखिर लक्ष्मण क्यों काटना चाहते थे अपने बड़े भैया का सिर, ये कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक में बात करता हूँ। आखिर लक्ष्मण अपने बड़े भैया श्री राम का सिर काटना क्यों चाहते थे, क्या बात थी? तो ये कहानी उस समय की है, इधर माता सीता को लंका का राजा रावण पंचवटी से चोरी कर ले गया था, इधर प्रभु राम शेषावतारी लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए आगे जंगल में जा रहे थे। प्रभु राम कहते जा रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने मेरी सीता को, मेरी जानकी को देखा है? जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे अचानक लक्ष्मण के मन में ये ख्याल आता है, आखिर वनवास तो राम को हुआ है, वनवास तो भैया को हुआ है, और भाभी अपने पति के साथ में आई हैं, लेकिन लक्ष्मण तू क्या कर रहा है इनके साथ में? लक्ष्मण तू क्यों आया है इनके साथ में? लक्ष्मण के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अचानक लक्ष्मण के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं राम के सिर को काट लूं। जैसे ही उनके मन में ये ख्याल आया, प्रभु राम मुस्कराने लगे, थोड़ी दूर और आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी दूर के बाद में एकदम लक्ष्मण सोचने लगे कि भला ऐसे बुरे बुरे ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं। उसी समय लक्ष्मण अपने बड़े भैया के पैरों में गिर गए, भैया क्षमा करना, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया भैया, मैं तो आपका गुनहगार हो गया, मेरे दिमाग में मेरे हृदय में ऐसे गंदे गंदे विचार क्यों आने लगे? मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं अपने बड़े भैया के सिर को काट लूं, आखिर ये क्या है भैया, क्या ये तुम्हारी कोई माया है? उसी समय राम कहने लगे, लक्ष्मण तुम्हारी कोई कमी नहीं है। अरे कमी तो इस भूमि की है, कमी तो इस धरातल की है, इस जगह की है। लक्ष्मण कहने लगे, भैया इस जगह की क्या कमी है? तो कहने लगे, अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। प्रभु राम ने लक्ष्मण अपने अनुज को अपने पास में बिठा लिया, लक्ष्मण की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, अपने हाथों से उनके कपोलों पर जो बहती हुई अश्रुधारा बह रही थी उसे साफ कर दिया। जवाब दिया, लक्ष्मण रो मत, अब मैं तुम्हें बताता हूं आखिर इस भूमि का क्या दोष है। दो सगे भाई थे, दो सगे भाई, बड़े भाई ने छोटे भाई की सारी संपत्ति को हड़प लिया था, छोटे भाई ने बड़े भाई को त्राप दे दिया, कह दिया तू काय का मेरा बड़ा भाई है, तूने तो सारी संपत्ति को हड़प के अपने पास में रख लिया है, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कछुआ हो जा, अगले जन्म में तू कछुआ बनेगा। जिस तरीका से कछुआ अपने शरीर के अंगों को अपने खोपड़ी के अंदर समाहित कर लेता है, और उसी तरीका से तूने पिताजी की सारी संपत्ति को अपने पास में रखा है। उसी समय बड़ा भाई कहने लगा छोटे भाई से, अगर तूने मुझे श्राप दे दिया है तो मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूं, तू भी हाथी हो जा। पड़ा पड़ा खाता रहता है, न कोई काम काज का तुझसे कोई सहारा है, न किसी और काम का कोई सहारा है, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तू हाथी बनेगा अगले जन्म में। दोस्तों इतनी बातों बातों में दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, हे लक्ष्मण, वो दोनों भाई आपस में लड़ करके इसी जगह पर मर गए। तब से ये भूमि अशुद्ध हो गई, तब से यहां पर जो भी भाई भाई आते हैं उनकी एक दूसरे की बुद्धि विपरीत हो जाती है।
कहने का मतलब है दोस्तों, जगह का बड़ा ही दोष हुआ करता है। जिस जगह पर पाप होते हैं वो जगह भी अशुद्ध हो जाती है। लक्ष्मण से ये कहा है कि लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम चिंता मत करो। लक्ष्मण के मन का वहम दूर किया है, इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है। आपको बार बार आपने देखा होगा जो नई भूमि खरीदते हैं, नई जगह पर अपना मकान बनाते हैं या कोई बना हुआ मकान लेते हैं, कभी कभी उस मकान में रहने के बाद में हम जो भी कार्य करते हैं वो ठीक ही विपरीत होता है। वो इसी का कारण है, वो भूमि तुम्हारी अशुद्ध है, इसलिए उस भूमि के शांति के लिए उसमें वास्तु दोष होता है। किसी अच्छे ज्योतिषी को जाकर के उस भूमि के बारे में जानकारी करें, अच्छे ब्राह्मण को कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला करके उस भूमि का शुद्धिकरण कराएं, उसके बाद ही उस भूमि में, उस जगह में, उस मकान में निवास करें। अगर ये कहानी, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम आपकी जानकारी के लिए नए नए टॉपिक लेकर के आते हैं। सभी मित्रों को राधे राधे। जय श्री।